अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा इन्फॉर्मेटिव मैकेनिकल चैनल मैकेनिकल। सो व्यूअर्स, प्रीवियस वीडियो में मैं आपको इसी टॉयलेट में इसी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में खड़ा हुआ था और पीपीआर पाइपिंग की फिटिंग के बारे में बता रहा था, जो पीपीआर पाइप जो है टॉयलेट्स में ग्राउंड फ्लोर के टॉयलेट्स के लिए यूज़ हुए थे। सो इस वीडियो में जो है मैं उसी टॉयलेट में सेम टॉयलेट में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है यहाँ जो ड्रेनेज पाइप इंस्टॉल हुआ है वो बेलो दी स्लैब ड्रेनेज पाइप इंस्टॉल हुआ है। देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग है ये प्रीकास्ट पैनल से बनी हुई है, यानी प्रीकास्ट पैनल जो है डिफरेंट ही जो वो होते हैं फैक्ट्रीज़ में तैयार होते हैं, उसके बाद यहाँ पे लाके इनको फिट किया जाता है तो एक बिल्डिंग तामीर हो जाती है, जिस हम 15-20 दिन में भी पूरी बिल्डिंग की जो है फिटिंग कर सकते हैं, उसके बाद इसका फिनिशिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं इस वक्त में जो है फर्स्ट फ्लोर टॉयलेट के नीचे ग्राउंड फ्लोर टॉयलेट में मौजूद हूँ। ये पीपीआर जो है ग्राउंड फ्लोर के हैं, लेकिन मैं आज आपको जो है प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पीपीआर के बारे में बताया था, तो आज की जो वीडियो है उसमें ड्रेनेज पाइप के बारे में बताऊंगा। तो मेरी वीडियो का ये मौजू है कि बेलो दी स्लैब कंक्रीट बिल्डिंग के अंदर या प्रीकास्ट पैनल की बिल्डिंग के अंदर जो बेलो दी स्लैब इंस्टॉलेशन है ड्रेनेज पाइप की, जिसमें 50 mm के पाइप्स हैं, 75 mm से फ्लोर ट्रैप्स हैं, गली ट्रैप्स हैं, क्लीन आउट से उनको किस तरह इंस्टॉल किया जाता है और पानी को हाउ टू ड्रेन योर टॉयलेट, यानी आप अपने टॉयलेट को अपने वाई बेसन को किस तरह प्रॉपर ड्रेन कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ मेरे चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब किया होगा और वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ यहाँ पर जो है फर्स्ट फ्लोर में एक वाई बेसन है, उसका पानी यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे हमने क्लीन आउट यूज़ किया और सपोर्ट लगाई है, उसके बाद यहाँ पे एक वाईटी लगाई का यूज़ किया वाईटी, और यहाँ पे भी एक वाइश बेसन है, उस वाइश बेसन को यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये दो वाइश बेसन यहाँ से कलेक्ट होकर इस लाइन में आते हैं और लाइन में ड्रॉप होने के बाद फ्लो ड्रेन में ड्रॉप हो जाते हैं। फ्लो ड्रैप यहाँ पर लगा हुआ है बेलो दी स्लैब, यानी हैंगिंग टाइप इंस्टॉलेशन है ये, उसके बाद ये यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ जो फ्लोर ट्रैप से वाटर लेके आएगा फ्लोर का और तमाम ही वाइश बेसन शावर और शावर एरिया का या बाथटब वगैरह का वो पानी यहाँ से ड्रेन होके इस राइजर से जैसे ना यहाँ से राइजर से ड्रॉप हो जाएगा, और ड्रॉप होने से पहले यहाँ पे वेंटिलेशन कनेक्शन देना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने वेंटिलेशन पाइप जो है वो फर्स्ट फ्लोर क्रॉस करते हुए रूफ तक जाएंगे। इसी तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे एक जो पाइप है डब्ल्यूसी का पाइप है, ये देख सकते हैं डब्ल्यूसी का पाइप है, मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा, और डब्ल्यूसी के बाद में यहाँ पे क्लीन आउट यूज़ किए फ्यूचर पर्पस के लिए, और यहाँ पे डब्ल्यूसी जो है इस तरीके से ड्रॉप हो रहा है। सो मैं आपको दूसरे टॉयलेट में लेके जाता हूँ। व्यूअर्स देख सकते हैं कुछ पाइप यहाँ पर भी, ये भी ऊपर एक टॉयलेट है और यहाँ पे अभी कुछ कमेंट्स हैं, एक हमारा जो पाइप है वो कुर्सी की पाइप से टच हो रहा है, तो इस बात का ख्याल रखें कि पाइप कभी भी दूसरे पाइप से टच नहीं होना चाहिए। फिर जैसे कि किचन एरिया है और यहाँ से जो पाइप्स हैं वो राइजर की तरफ मूव हो रहे हैं 1% स्लोप के साथ, देख सकते हैं 75 mm का राइजर फॉर वेस्ट वाटर और डब्ल्यूसी के लिए 110 mm का राइजर यूज़ किया है, उसको सपोर्ट्स के ज़रिए क्लैंप्स करके फिट किया है, देख सकते हैं। तो इस वक्त व्यूअर दूसरे टॉयलेट में चलते हैं, ये देख सकते हैं ये पाइप्स हमारे टेस्ट हुए हैं सारे। यहाँ पे देख सकते हैं सेम ही इंस्टॉलेशन हुई हुई हैं, इसके भी ऊपर सेम टिपिकल टॉयलेट है जिसमें एक वाइश बेसन है, एक शावर है, एक फ्लोर ड्रेन है, एक डब्ल्यूसी है और कुछ पाइप जो है एसी ड्रेन के कनेक्ट हो रहे हैं, ये देख सकते हैं हम इस तरीके से, ये देख सकते हैं ड्रॉप हो रहा है प्रॉपर तरीके से, क्लैंपिंग की गई है 1% स्लो पे। यहाँ पे देख सकते हैं बाहर एसी ड्रेन जो है यहाँ से कलेक्ट होके इस फ्लो ड्रेन तक आ रहा है। सो अभी मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।